वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 11 सितंबर 2024 और 11 सितंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है। योगासन को एशियाई खेल 2026 में शामिल किया गया और भारत और किस देश ने ऐतिहासिक SNA परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। हाल में चर्चित इटली के टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने कौन सा ग्रैंड स्लैम हासिल किया, तो यूएसए ओपन। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला, तो सूरत शहर को। किसने अपना पहला सैन्य उपग्रह टाइचे अगस्त 2024 में लॉन्च किया, तो यूके ने। टाइम के AI 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया, ये किया गया अश्विनी वैष्णव को। किस IAS अधिकारी को केंद्रीय वित्त सचिव नियुक्त किया गया, तो तुहिन कांत पांडे को। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, राजा रणधीर सिंह है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक की भूमिका किसने संभाली, तो ये डॉक्टर विनय गोयल ने संभाली है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज कर लिया हमने। पोस्टर आपको डेली टेलीग्राम पे मिल रहा है और टेस्ट भी आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है। तो अब स्टार्ट करें आज की करंट अफेयर्स की क्लास। इसके अलावा ये आप हमारी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में PDF भी आपको मिल रही हो। तो ये 1 साल की वैलिडिटी है, ये आप करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो बढ़िया तरीके से। अब स्टार्ट करें आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है। हाल ही में किसकी रिपोर्ट आई है, नेचर, तो ये नेचर के अध्ययन के अनुसार है दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बन चुका है अपना देश भारत। कौन सा बन गया, अपना देश भारत इसके अंदर पहले स्थान पर है। नाइजीरिया है वो दूसरे स्थान पर है, इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पर है चीन देश। कौन सा है, चौथे स्थान पर है चीन। तो ये क्रम आपको याद रखना है। तो नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण देश कौन सा बन गया, अपना देश भारत। तो प्रकाशित नेचर जनरल के अध्ययन के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बन चुका है। इस अध्ययन के मुताबिक भारत सालाना करीब 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक उत्सर्जित करता है, जो वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का करीब 5वां हिस्सा माना गया है। यानी कि भारत सालाना ना साल के अंदर करीब 9.3 मिलियन टन का प्लास्टिक उत्सर्जित करता है। भारत के बाद में नाइजीरिया और इंडोनेशिया का स्थान है आता है। तो ये बड़ा गजब का पॉइंट है, इसको अच्छे तरीके से याद है कर लेना। भारत के प्राचीन खेल योगासन को एशियाई खेल 2026 में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया, ये खेल किस देश में आयोजित होंगे, ये खेल किस देश में आयोजित होंगे। तो यहाँ पर इस खेल के अंदर एशियाई खेल 2026 में योगासन को शामिल कर दिया, ठीक है। तो ये खेल कहाँ पर आयोजित होंगे, जापान के अंदर। ऑप्शन नंबर 1, कहाँ पर आयोजित होंगे, जापान के अंदर है आयोजित होंगे। तो भारत के प्राचीन खेल योगासन को जापान के आइची नागोया में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल है किया गया है। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, पता नहीं पिछली बार एग्जाम में आया था, 2026 जापान के किन दो शहरों में होगा, तो ध्यान रखना ये आइची और नागोया, ये जापान के दो शहर हैं, यहाँ पर एशियाई खेल होंगे।
एशियाई ओलंपिक परिषद ने अपनी 44वीं आम सभा में एशियाई खेलों के कैलेंडर में योगासन को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल करने का फैसला लिया। इसी के साथ कल मैंने बताया भारत के रणधीर सिंह को 2024 से 2028 तक 4 साल की अवधि के लिए उनको ओसीए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, यानी कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसको? रणधीर सिंह को। तो 2024 से लेकर 2028 तक है और अब प्राचीन खेल योगासन को इसके अंदर शामिल कर दिया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स SIAM ने 9 अगस्त को किस शहर में अपना 64वां वार्षिक सत्र आयोजित किया है? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM ने 9 अगस्त को किस शहर में अपना 64वां वार्षिक सत्र आयोजित किया? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया है। तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM ने 9 अगस्त को नई दिल्ली में अपना 64वां वार्षिक सत्र आयोजित किया। इस दौरान SIAM के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने बताया कि भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग ने वित्त वर्ष 2024 में 20 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया। उन्होंने बताया कि जो भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग है उसने 2024 के अंदर 20 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। इसके अलावा देश में एकत्रित कुल GST में इसका योगदान कितना है? 14 से 15% है। उन्होंने कहा 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाने और 2070 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाई जाएगी। हाल ही में अरब दुनिया का पहला ब्राक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? हाल ही में अरब दुनिया का पहला ब्राक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो ये किया है UAE के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर किया है? इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था, लेकिन ये परमाणु संयंत्र पहले तो ये स्थापित है, इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, लेकिन अब ये परमाणु संयंत्र स्टार्ट हो चुका है, इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो अरब दुनिया का पहला ब्राक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये UAE के अंदर स्थापित हो चुका है। तो अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात UAE के अबू धाबी अमीरात में स्थित है। तो UAE की राजधानी है अमीरात, वहां पर यह स्थित है। यह अरब प्रायद्वीप का पहला और फारस की खाड़ी क्षेत्र का दूसरा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है। ध्यान रखना, अरब प्रायद्वीप का पहला और फारस की खाड़ी क्षेत्र का ये दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस संयंत्र में 4 APR यानी कि 1400 परमाणु रिएक्टर हैं, जिनमें से हर एक का विद्युत उत्पादन 1400 MW है माना गया। यानी कि संयंत्र के अंदर 4 APR है जो 1400 परमाणु रिएक्टर है और एक का विद्युत उत्पादन कितना है? 1400 MW। तो 4 APR लगे हुए हैं, एक का 1400 MW है और इसने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया। कहां पर है? UAE के अंदर। हाल में भारत और किस देश ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको पता है अभी UAE के जो PM है वो अभी अपने भारत देश की यात्रा पर है, तो उन्होंने भारत और UAE के बीच में ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? भारत और UAE देश ने। तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, तो देखो पूरा नाम शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत और UAE ने असैन्य परमाणु सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह NPCIL और ENEC के बीच अपनी तरह का पहला समझौता ज्ञापन है, जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन, रख रखाव और निवेश के अवसरों में सहयोग बढ़ाना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन करना, इसका रख रखाव करना और निवेश के अवसरों में मुख्य बढ़ाना। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है ये गुजरात सरकार और अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी है, उसके बीच में समझौता हुआ कि 2025 तक गुजरात में खाद्य और कृषि पार्क विकसित किया जाएगा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है गजब तरीके से, ठीक है। तो गुजरात और किसके बीच में? अबू धाबी के बीच
ये गुजरात के अंदर एक खाद्य और कृषि पार्क विकसित करेंगे। हाल ही में किसने इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर्स यानी I4C के तहत 4 प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो अपने गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर्स यानी कि 1-4-C के तहत 4 प्लेटफॉर्म का उद्घाटन है, यानी कि साइबर अपराध से निपटने के लिए भारत के लिए इन्होंने 1-I4-C के तहत 4 प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। किसने? अमित शाह ने। तो गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अगस्त को इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी 1-4-C के तहत 4 प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इसमें देश में साइबर अपराध से लड़ने में मदद मिलेगी। तो देश में साइबर अपराध से लड़ने में मदद मिलेगी। 1-4-C की स्थापना 2018 में गृह मंत्रालय के तहत की गई। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए अगले 5 सालों में 5,000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित और तैयार करने की योजना बनाई। यानी कि साइबर अपराध है बहुत ज्यादा हो चुका है, तो उससे निपटने के लिए अगले 5 सालों के अंदर 5,000 जो साइबर कमांड है उनको तैयार किया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी कि PMKMY के 5 वर्ष पूरे हुए, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के 5 साल पूरे हो चुके हैं और इस योजना की शुरुआत हुई थी 12 सितंबर 2019 को, यानी कि कल 12 सितंबर है, कल इसके 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो 12 सितंबर 2019 के दिन इस योजना की शुरुआत हुई और अब इसके 5 साल पूरे हो चुके हैं। तो 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी कि PMKMY देश भर में सभी भूमि धारक छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। यह स्वैच्छिक और अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन ये प्रदान करती है। यानी कि याद रखना, जो छोटे छोटे किसान है ना, सीमांत छोटे छोटे किसान है, उनको ये योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। 6 अगस्त 2024 तक 23.38 लाख किसान इस योजना में शामिल हो चुके हैं। इसके अंदर बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ने महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई है। तो टोटल कितने हो गए? 23.38 लाख किसान इस योजना के अंदर शामिल हो चुके हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आती है, कोई नोटिफिकेशन आ गया, टेलीग्राम का लिंक है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। या आप टेलीग्राम पे ये प्रताप क्लासेस सर्च करोगे ना तो आपके सामने आ जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर आप ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा पोर्टल वगैरह PDF सब आपको सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? PM मोदी किस राज्य में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत करेंगे? तो ये करेंगे गुजरात के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में किसने USA ओपन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? तो जेसिका पेगुला, एशिया मोहम्मद, आर्याना संभालिका, एरिन रूटलिप है, और इसके अलावा पुरुष का भी नाम मुझे बताओगे, पुरुषों के अंदर किसने जीता है। तो महिला और पुरुष दोनों का नाम आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताओगे। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। इसके अलावा CAT के लिए ये आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, इसके अंदर कल 7वां टेस्ट अपलोड हो गया, अभी 7 टेस्ट इसके अंदर अपलोड हो चुके हैं। बस 2-4 दिनों के अंदर आपको 10 टेस्ट आपके लिए कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ये अलग से करंट की कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहे ले सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, और इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो RAS के लिए भी चल रही है। तो ये आप प्रताप क्लासेज एप के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।